गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, जिसका नाम है क्रिया। हम इसे इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ क्रिया। आसमान में काले काले बादल हैं, वर्षा हो रही है, तेज हवा चल रही है, लोग छाता लेकर जा रहे हैं, एक लड़का कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैरा रहा है, कुछ बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, किसान लोग खुश हैं, मेंढक टर्रा रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी कार्य के करने या होने को बता रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया शब्द क्रियापद कहलाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। पढ़ते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे मूल रूप धातु यानी कि पढ़, पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है पढ़ना। ज धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है जाना। हस धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है हंसना। इसी प्रकार से बनता है करना, लिखना तथा सोना। अब पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा लिख रहा है, वर्षा हो रही है, कुत्ता दौड़ रहा है और चिड़िया उड़ रही है। दूसरा भेद सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है तथा शिकारी ने हाथी मार दिया। सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद हैं, एकर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे एकर्मक क्रिया। वे क्रिया जिनके साथ एक कर्म का प्रयोग हो, उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रचना कार्य करती है, कवि कविता लिख रहा है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, मम्मी खीर बना रही है। यहाँ पर एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है। दूसरा पढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन ने मुझे दो किताबें दी, पिताजी ने मुझे एक कलम दिया। अब अकर्मक व सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, आइए पढ़ते हैं। कर्म की पहचान के लिए कर्ता के साथ क्या या किसको शब्द से प्रश्न किया जाता है और उत्तर में जो शब्द आता है उसे कर्म कहते हैं। इस प्रकार से हम सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। और यदि उत्तर में कोई शब्द नहीं आता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। कुछ विशेष बातें, जैसे क्रिया के बिना न तो वाक्य पूरा होता है न ही उसका अर्थ स्पष्ट होता है। आइए दोहरा लें कुछ मुख्य बातें जो हमने इस पाठ में पढ़ी। जैसे जो शब्द किसी कार्य का करना या होना बताते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया शब्द क्रियापद कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, जैसे अकर्मक तथा सकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एकर्मक तथा द्विकर्मक। क्रिया में क्या या किसको
शब्द से प्रश्न करने पर जो शब्द आए या उत्तर दे वह कर्म होता है और वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक क्रिया के साथ एक तथा द्विकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।